गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांतिकुंज ऑनलाइन क्लासेस। आई एम योर साइंस टीचर गीता मैम। चिल्ड्रन, जिन चिल्ड्रंस ने अभी तक ये वाली बुक नहीं ली है साइंस की, तो ये बुक सबसे पहले परचेज कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास बुक नहीं होगी आपको साइंस समझ में नहीं आएगी, है ना। तो बुक परचेस कीजिए, उसके बाद जितना भी होमवर्क मैंने आपको दिया है सारा होमवर्क कंप्लीट कीजिए, फिर कॉपी चेक कराइएगा। ओके चिल्ड्रन, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर नंबर 4, शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी मटेरियल्स को ग्रुप में हम कैसे छांटते हैं, तो इसके बारे में पढ़ रहे थे। टुडेज टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन। आज हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट इन अकॉर्डेंस विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। सो ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कि अगर हमने सेम टाइप के कोई भी ऑब्जेक्ट हैं उनको एक जगह रख दिया है, उसकी हम प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब किसकी क्या प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। द थिंग्स अराउंड यू कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वे, लिविंग और नॉन लिविंग, स्मॉल और बिग, नेचुरल और मैनमेड एंड सो ऑन। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आसपास होती हैं, उनमें हम लिविंग चीज़ें हो गई या नॉन लिविंग चीज़ें हो गई उसके बेस्ड पर, या वो छोटा है या बड़ा है उसके बेस्ड पर, या वो प्राकृतिक तौर से बनाया हुआ है या इंसानों ने बनाया है, मैन मेड है, तो हम इसके बेस्ड पर भी उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ हो जिन्हें हम एक ग्रुप्स में डिवाइड कर लें। सपोज़ आपके पास नटराज की HB पेंसिल है, बहुत सारी पेंसिल हैं, सारी मिक्स हैं, इधर उधर पड़ी हैं। अगर आपने क्या किया, उनको HB पेंसिल को एक साथ रख दिया। अब आपको स्कूल में ज़रूरत हुई कि आपको HB पेंसिल से ड्राइंग बनानी है, तो आपको क्या होगा, उसको फटाक से आप ढूंढेंगे और अपना ड्राइंग बना देंगे। इससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी आपके वर्क में। ओके, लेट्स रीड अबाउट नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स इज बेनिफिशियल टू अस इन मैनी डेज। सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन आर एज फॉलोज। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमॉन्ग ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट इसका क्लासिफिकेशन का क्या हमको एडवांटेज मिलता है, कि इससे हमें कौन सी चीज़ें समान हैं, कौन सी चीज़ें असमान हैं, उनके बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा। इट मेक्स आर स्टडी ईजियर, सिंपलर एंड सिस्टमेटिक। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिस्टमेटिक, यानी हम एक सिस्टमेटिक तौर से अपनी स्टडी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, और हमें बहुत ही ज़्यादा आरामदायक भी हो जाता है। इट हेल्प्स टू लोकेट थिंग्स। हम चीज़ों को आराम से लोकेट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चीज़ों को आसानी से हम पहचान सकते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूस आर कन्फ्यूजन एंड प्रॉब्लम, और उससे भी ज़्यादा टाइम्स, ये हमारा टाइम्स भी सेव करेगा। सो ये हमारा कुछ बेसिक एडवांटेज होती हैं क्लासिफिकेशन के। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ओके, मटेरियल्स और सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो इन मटेरियल्स को या कोई भी सब्सटेंस है उनको हम बेसिकली उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही हम उनको क्लासिफाइड करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी मटेरियल डिटरमाइन इट्स यूजेस। सम सिंपलर प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। फिजिकल स्टेट, मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मैटर, मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ उसको हम देखकर, यानी उसके फिजिकल स्टेट को देखकर भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। हमें ये पता ही है कि जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में वो सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी है, मैटर से मिलकर बनी है, और इन मैटर्स जो होते हैं वो भी हमारे थ्री मेन स्टेट में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसेस। यानी आपको ठोस भी मिल जाएंगे, तरल भी मिल जाएंगे और गैस फॉर्म में मिल जाएंगे। द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर एज फेलोज। सो यहाँ पर हमारे पास दिए हुए हैं इनके मेन प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं सॉलिड। सो सॉलिड का क्या रहता है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम।
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी को अच्छे से इसको लर्न करना है। सॉलिड्स का शेप और वॉल्यूम कैसा रहेगा, डेफिनेट होगा, मतलब इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम और शेप होगा। लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, लिक्विड का वॉल्यूम तो कुछ ना कुछ जरूर होगा पर उसका कोई शेप नहीं होगा। रीज़न क्या है कि जैसे कि आपके पास कोई वाटर है, अब आप वाटर को किसी ग्लास में रखेंगे तो उस ग्लास का शेप आ जाएगा, अगर आपने उसको थाली में रखा है तो थाली का शेप ले लेगा। इसका मतलब क्या है कि उसका कोई खुद का डेफिनेट शेप नहीं होता है, वो जिस भी हम बेजल में रखेंगे उसका शेप ले लेगा। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज गैस, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैस का भी ना तो कोई शेप होता है ना वॉल्यूम होती है। तो जैसे कि अगर आपने गैस को किसी बैलून में भरा तो वो उसी का शेप बन जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी अगर हमने ठोस को, जैसे हमारी बुक ठोस है, मैंने इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बावजूद भी ये वैसी की वैसी है, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। बट कैन बी कंप्रेस्ड टू द स्मॉल एक्सटेंट, हम वाटर को थोड़ा सा कंप्रेस्ड कर सकते हैं। एंड गैसेस हाईली कंप्रेसिबल, गैस को हम बहुत ही आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक बैलून में आपने गैस भर रखी है, उस बैलून को आप प्रेस करेंगे तो वो आराम से प्रेस हो जाएगा ना, उसको जिस शेप में आप मॉडिफाई करना चाहेंगे उसमें मॉडिफाई भी हो जाएगा। ओके, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पास पास होते हैं। अगर हम इसके एटम्स की बात करें तो इसके एटम्स एकदम ओवरलैप होते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। और लिक्विड में क्या रहता है, पार्टिकल आर नॉट एज क्लोजली पैक्ड एज इन सॉलिड, इसमें जो एटम्स होते हैं वो होते तो पास पास हैं बट सॉलिड से थोड़े दूर होते हैं। लाइक अगर हमारा एक एटम इधर है तो दूसरा इधर होगा, इनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है जिसे हम एटॉमिक गैप बोलेंगे, इनके बीच का जो गैप होगा ना उसको हम एटॉमिक गैप बोलेंगे। तो इस तरह से इनके बीच में कुछ गैप होता है। बट गैसेस पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, इसमें जो एटम्स पार्टिकल्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होंगे। यही रीज़न है कि अगर कहीं पर भी, जैसे आप क्या एलपीजी गैस आती है उसमें जैसे ही वो लीक होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल इतनी जल्दी मूवमेंट करते हैं कि वो हमारी नोज़ तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको क्लासिफिकेशन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस में समझ में आया होगा। नाउ योर होमवर्क दैट, आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है और इसके जैसे मैंने पार्टिकल्स बताए हैं आपको वैसे पॉइंट लिखने हैं। साथ ही इसका एक पॉइंट आपको क्या बनाना है कि आपको एक सॉलिड चीज़ बनानी है, एक लिक्विड कोई भी चीज़ बनानी है और एक गैसियस चीज़ बनानी है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का स्टडी करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।